गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा क्लास सेकंड में जो टॉपिक है वो है, आज हम फोर्थ लेसन फोर्थ चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज हमारा हिंदी सब्जेक्ट में लेसन फोर्थ है वो है बिना सोच का फांसी। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पा क्या, और जो पाठ का नाम है वो है बिना पूछ का फांसी। ओके, तो क्या है बिना पूछ का, बिना पूछ का, बिना पूछ का फांसी। ओके, तो सबसे पहले तो इस टॉपिक में, इस लेसन में क्या है कि यहाँ पर हमें चित्र देखकर जो है कहानी को बनाना है। ओके, और इस लेसन में आए हुए हमें जो शब्दार्थ हैं उनका हमें जो है अर्थ जानना है, उसके बाद क्या है हमें अभ्यास काल को पूरा करना है, और जो क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं उनको क्या करना है हमें उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद वाक्य बनकर उसके सामने हमें सही और गलत का जो है चिन्ह लगाना है, और बाद में हमें क्या है इसी तरह मगर और बंदर की आपको कहानी भी बनाना है, और इस कविता को आपको जो है याद भी करना है। ओके, तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे आज के टॉपिक में जो है बिना पूंछ का हांसी। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इस लेसन में आए हुए जो शब्दार्थ हैं उनको हम सबसे पहले उनका हांसी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे शब्दार्थ। ओके, ये शब्दार्थ है जिनका हम बोलेंगे, सबसे पहले हम अर्थ बोलेंगे। ओके, सबसे पहला जो शब्द है वो है दम। ओके, क्या है दाली, तो दाली का अर्थ क्या होता है टहनी या पेड़ की छोटी छोटी तार। टहनी या पेड़ की छोटी छोटी शाखा। ओके, इसके बाद जो दूसरा हमारा शब्दार्थ है इस टॉपिक में वो है शर्मा। क्या है शर्मा? ओके, सरदार मीन होता है मुखिया, मुखिया। इसके बाद है झुंड, झुंड समूह या दल। झुंड समूह या दल भारी भरकम, भारी भरकम।
विशाल या बदन। विशाल या बदनी और चैन। चैन मीन्स क्या होता है? सुकून या सुख आराम। सुख या ओके। तो ये जो है आपके इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस लेसन में जो पार्ट चार है हमारा बिना मुश्किल में जो डिफिकल्ट जो हमारे शब्दार्थ आए हुए हैं हमने उनका पहले सबसे पहले क्या समझा अर्थ समझा। इसके बाद हमें क्या करना है चित्र देखकर जो है हमें ये क्या है चित्र कथा को हमें पढ़ना है और चित्रों को देखकर हमें कहानी का जो है भाव कथा क्रम समझना। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि क्या है पेड़ की डालियां। डाली या पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं जो हैं उन पर कौन बैठे हैं बंदर बैठे हैं। तो क्या है पेड़ पर पेड़ की टहनियों डालियों पर कौन बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा बहुत से मंकी बैठे हैं। इसके बाद दूसरे भी क्या है वो लोग कुछ खा रहे हैं। इसके बाद आप तीसरे चित्र में देखेंगे कि हाथी आ रहा है और टहनी को तोड़ रहा है। इसके बाद सारे बंदर शायद दुखी बैठे हुए हैं क्योंकि हाथी ने उनकी डालियों को तोड़ दिया है जिस पर वो कुछ नहीं करते थे। इसके बाद है कि बंदरों ने कुछ विचार किया उनके समूह का उनके दल का सरदार मुखिया था। उसके बाद हाथी यहाँ पर दुखी है क्योंकि यहाँ पर बंदरों ने क्या किया कुछ उपाय किया है हाथी को भगाने के लिए। फिर हाथी यहाँ से भाग जाता है। इस चित्र को देखकर हमें क्या करना है कहानी को हमें बनाना। तो सबसे पहले हमने चित्र में देखा कि एक घना सा जंगल है। क्या है एक घना जंगल है और उस जंगल में आप जंगल जानते ही होंगे जंगल में बहुत से पेड़ पौधे रहते हैं पशु पक्षी रहते हैं जंगली जानवर रहते हैं। तो क्या है कि बड़ा सा विशाल जंगल है और उस जंगल के अंदर जामुन को तो आप जानते ही होंगे जामुन के बहुत से पेड़ पौधे ओके। और जामुन के पेड़ों पर जो है क्या रहते हैं बंदर कुछ बंदर। इसके बाद है सब क्या करते हैं सब मीठे मीठे जामुन खाते हैं और मिलकर हंसते हैं। क्या करते हैं जामुन के पेड़ों पर बंदरों का समूह दल रहता है और उस दल का एक मुखिया भी है और क्या करते हैं सभी लोग हंसते हंसते जामुन के जामुन को खाते हैं और मिलकर हंसी खुशी वहां पर रहते हैं। इसके बाद अब हाथी ने क्या किया हाथी एक अकेला हाथी था उसका ना कोई समूह था ना उसके कोई दोस्त थे। वो क्या करता था जंगल में अकेले आता था और जामुन की डालियों को अपनी सींग से तोड़ देता था और उन डालियों पर कौन रहता था बंदर रहते थे। तो उन डालियों को जो है बंदर रहते थे उन डालियों में। तो हाथी ने क्या किया उन डालियों को तोड़ दिया। फिर क्या हुआ बंदर नाराज हो गए और बंदरों ने अपना जो दुख है वो अपने सरदार अपने दल के समूह के जो सरदार था उसके पास अपनी बात को रखा और बस वो क्या था अब सरदार था बंदरों का सरदार था उसके मन में दुख पैदा हुआ कि हम क्या ऐसा करें कि इस हाथी को हम भगा दें जिससे हमारे दल को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। तो
बंदर बंदरों का जो सरदार था उसने अपने मन में विचार किया और वो कुछ तरकीब सोचने लगा। मिलकर आज सभी हम साथी कहना बिना पूछता हाथी। और सरदार ने एक उपाय सोचा कि हम सारे बंदर आज क्या करेंगे, हम उस हाथी को चिढ़ाएंगे बिना पूछता हाथी। भारी भरकम हाथी, अब क्या हाथी का तो रोज का काम था, जंगल में आता था और जामुन की डालियों को तोड़ देता था। तो भारी भरकम हाथी आया, भारी भरकम विशाल या वजनी तो हाथी आया और देखा। उससे क्या हुआ, जैसे ही उस जामुन की डालियों को तोड़ने लगा तो सभी बंदरों ने जो एक विचार एक तरकीब सोची थी उसी के आधार पर वो क्या करने लगा, चढ़ाने लगा। चिढ़ाने लगी, कहा देखो बिना पूंछ का हाथी। और सारा झुंड बंदरों का जो समूह था, झुंड था, वो सारे की सारे बंदरे ही चिल्लाने लगे देखो बिना पूंछ का हाथी। अब हाथी यह सुनकर क्या हो गया, घबरा गया। क्या हुआ, हाथी यह सुनकर क्या हो गया, घबराने लगा, बेचैन हो गया। और हाथी का शरीर कैसा होता है, भारी भरकम होता है और मोटी गर्दन होती है और भारी भरकम विशाल शरीर बदली होने के कारण गर्दन भी इसकी कैसी थी, मोटी गर्दन थी, जिसके कारण वो पीछे मुड़कर देख न पाया और छोटी मुड़कर वो देख न पाया। तो आप जब बंदरों ने हाथी को चिल्लाया तो बंदर वो हाथी चढ़ गया और हाथी चढ़ने के बाद उसे शर्म लगी। जब वो अपनी पूंछ को ना देख पाया और शर्म से जो बंदर वो हाथी वहां से बन के अंदर से जंगल से भाग गया और सारे के सारे बंदर जो हैं कैसे रहने लगे, सुकून से चैन से वहां पर पहुंच गया। तो आपने इस चित्र कथा को पढ़ा भी, चित्र से आपने कहानी चित्रों को देखकर आपने क्या किया, कहानी को भी बनाया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस कविता को याद करना है। ओके, इसमें क्या है, धमक धमक कर आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। कैसा आता है, आवाज करते करते हुआ था, आवाज करने से क्या है, धमक धमक कर आता हाथी और धमक धमक कर जाता हाथी। सुपर जैसे उसके कान, उसके जो कान होते हैं बड़े बड़े, वो कैसे ऐसे ऐसे हिला करते हैं ना, इसलिए उसको क्या कहा गया, सुपर। सुपर जैसे उसके कान बड़ी निराली, उसके कान गन्ना पत्ती खाता हो, वो खाता है। हाथी क्या खाता है, गन्ना होता फेवरेट खाना होता है, घास फूस पत्ता ये सब अच्छा लगता है, लेकिन गन्ना उसकी फेवरेट खाना, फेवरेट खाना होके फिर अपनी सूर खिलाता है। हाथी क्या करता है, धमक धमक आता है, धमक धमक कर जाता है और सूपा जैसे उसके साथ और बड़ी निराली उसके साथ गन्ना पत्ती खाता है, अपनी सूर खिलाता है, है ना। तो ये कहा वो ये कविता हमको लड़ता है। इसके बाद हम अभ्यास कार्य को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्या करेंगे, अभ्यास कार्य को हम पूरा करेंगे। तो अभ्यास कार्य में है, अभ्यास में आपको केवल और केवल आपको क्या करना है, बताना है। क्या करना है, आपको बताना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें क्या है, जामुन के पेड़ों पर
जामुन के पेड़ों पर जो है कौन रहते थे? जामुन के पेड़ों पर जो है बंदर रहते थे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताते हैं, बंदर बंदर क्या बंदर क्या खाते थे? तो आपने जैसे सवाल में कहा था कि बंदर जो है किसके पेड़ों पर रहते थे? जामुन के पेड़ों पर। तो क्या खाते थे? बंदर जामुन को खाते थे। इसके बाद तीसरा जो है आपको बताना है, जामुन की डाली जो है कौन तोड़ देता था? तो जामुन की डाली कौन तोड़ देता था? हाथी तोड़ देता था, तभी तो बंदर परेशान हो गए थे, इसीलिए उन लोगों ने उपाय सोचा, हाथी को वहां से मार दिया। इसके बाद बंदरों के सरदार ने क्या किया? बंदरों के सरदार ने एक उपाय सोचा कि हम सारे बंदर मिलकर इस हाथी को इस जंगल से भगाएंगे, और क्या कहकर भगाएंगे? बिना देखो बिना पूछ का हाथी। ओके, इसके बाद जो लास्ट है वो है अगर आप बंदरों की जगह होते तो क्या करते? यदि हम भी बंदरों की जगह होते तो हम भी हाथी परेशान होकर उसको भगाने के लिए हम लोग भी कुछ ना कुछ उपाय जरूर करते ना। तो ये आपका जो था अभ्यास काल में आपको जो ओनली बताना था, उसके बाद आपको क्या करना है? प्रश्न नंबर जो दूसरा है उसमें दिया गया है कि आपको क्या करना है, इसको लिखना है। ओके, तो ये जो है इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्या है इसमें, सबसे पहले आपने जो बिना पूछ का हाथी पाठ आपका चार है। ओके, इसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? इस लेसन में आए हुए जो हमारे शब्द थे उनका हमने अर्थ जाना, चित्र कथा को पढ़ा, चित्रों को देखकर हमने कहानी को भी बनाया, उसके बाद अभ्यास कार्य को भी किया। इसके बाद जो हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको हम कल अपनी नोटबुक में कंप्लीट भी करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इसको हम ओरली समझ रहे थे, क्या बंदरों ने हाथी से क्या कहा? तो बंदरों ने हाथी से क्या कहा था कि देखो भाई देखो बिना पूंछ का हाथी। फिर हाथी अपनी पूंछ क्यों नहीं देख पाया? तो हाथी अपनी पूंछ इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि उसका शरीर भारी भरकम होने के कारण वो अपनी पूंछ को नहीं देख पाया।
इसके बाद में पूंछ ना दिखने पर हाथी को कैसा लगा? पूंछ ना दिखने पर हाथी को शर्म लगी और वो वहां से भाग गया। हाथी के भाग जाने पर क्या हुआ? हाथी के भाग जाने पर सभी बंदर कहा जंगल में चैन से रहने लगे। उसके बाद है वक्त पड़कर आपको सामने सही व गलत का चिन्ह लगा। बंदर आम के पेड़ पर रहते थे तो रॉन्ग हो गया राइट? रॉन्ग, क्योंकि बंदर तो जामुन के पेड़ों पर रहते थे। हाथी का आकार भारी भरकम था, यस हाथी का आकार भारी भरकम होता ही है, यहाँ पर ये राइट होगा। हाथी की पूंछ छोटी थी तो यस बंदर ने कहा पूंछ वाला हाथी। रॉन्ग, क्योंकि बंदर ने दिखाया था कि बिना पूंछ का हाथी। बंदर चैन से रहने लगे। ओके, इसको हम अपनी कन्या वीडियो में कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।